स्टार्ट। तो रासायनिक आवर्धन पढ़ रहे हैं तो आज का विषय है अतिव्यापन ओवरलैप। कक्षक वाहक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षक में है, तो जब साझा करते हैं एक कक्षक का कुछ भाग दूसरे कक्षक के कुछ भाग घेरता है। इस घेरने के वाले भाग में दोनों कक्षकों की सहमति होती है और घिरा हुआ भाग ही कहलाता है अतिव्यापन। है क्या इसके लिए हम सह संयोजकता संयोजकता का क्वांटम सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत क्या है? हम जानते हैं कि परमाणु जो साझा करते रासायनिक आबंधन के लिए अपने को प्रिपेयर करते हैं तैयार करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन कहां कहां होंगे? या तो कक्षा में होंगे या कक्षा में होंगे, कक्षा या तो कहां होंगे कक्षा में। इलेक्ट्रॉन कक्षक में ही है, किस कक्षा के किस कक्षा में है या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता है। संयोजक बंध उन्हीं के बीच बनता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या तो पेयर होंगे या तो अनपेयर होंगे, मतलब जिनमें साझा होगा उसमें कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। कैसे? आयन क्लोरीन को देखते हैं Cl रखो, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2, 8 और 7। उपकोष ये तो कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ, उपकोष के आधार पर देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ये यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा के पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा के यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा के पी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन। इस पहली कक्षा को कहते हैं के, दूसरी कक्षा को कहते हैं यल, तीसरी कक्षा को कहेंगे यम, चौथी कक्षा होगी तो डाटा उसके आधार पर होता है। कक्षा और कक्षा तुम देख ली। अब पी के 5 इलेक्ट्रॉन कक्षक में किस प्रकार व्यवस्थित हैं इसको दिखाने के लिए हमें चाहिए कि पी में कितने कक्षक हैं, पता चला कि 3। क्या क्या नाम है? पीएक्स आपको परमाणु संरचना में बताया गया था। इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? कुंड्स के नियमानुसार पहले एकल इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में, अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो पेयरिंग होगी और अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो सहसंयोजक बंध का सहसंयोजक बंध का क्वांटम सिद्धांत बताता है कि बंध बनाने वाले परमाणु के कक्षक में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पेयर में चेंज करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन से या तो लूज करता है या दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा करता है या दूसरे से साझा करने के बाद अन्य को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। मतलब क्या हुआ? या तो आयनिक बांड द्वारा
या प्रशासन योजक बंद द्वारा या उपशासन योजक बंद द्वारा इसको भी पेयर करने का प्रयास करता है। और उस पेयर करने में दूसरे के कक्षक का कितना भाग इसमें आता है, इसका कितना भाग उसमें डाल जाता है, दैट इज ओवरलैपिंग या अति या अतिव्यापन होता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कौन है लदन और कौन है हाइटलर और कौन है कोनी, इन लोगों ने बहुत गहन अध्ययन किया और दो सिद्धांत दिए। कौन सिद्धांत? दो सिद्धांत दिए। पहला सहसंयोजक, सहसंयोजक आबंध सिद्धांत, सहसंयोजक आबंध सिद्धांत। और दूसरा क्या था? दूसरा सिद्धांत था कि इसमें उन्होंने बताया कि परमाणु साझा के द्वारा क्या बनाते हैं, आण बनाते हैं। तो यहां क्या था, आणु कक्ष सिद्धांत, ये दो सिद्धांत उन्होंने दिया। तो आइए पहले की क्या क्या हम करते हैं, सहसंयोजक सिद्धांत। सहसंयोजक सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है कि इनके अनुसार, इन वैज्ञानिकों के अनुसार, जो परमाणु साझा करने के लिए तत्पर होते हैं उनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम अवश्य होता है। दूसरा, साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल लगभग किसी के बराबर होना चाहिए। तीसरा, ये साझा करके जब अण कक्षक का निर्माण करते हैं तो इनकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से भिन्न हो जाती है। तीसरा, साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन, साझा करने वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब बंध निर्माण करता है तो उसमें एक की दिशा क्लॉकवाइज, अगले की दिशा एंटी क्लॉकवाइज व्याप्त हो जाती है, क्योंकि साझा हो रहा है, दोनों की सहमति है, दोनों किसी पर खड़ी नहीं होगी। हमारा पेयर क्लॉकवाइज होगा तो कहेगा हमारा क्लॉकवाइज होगा, नहीं, ऑटोमेटिक इस क्लॉकवाइज को दूसरा एंटी क्लॉकवाइज साझा कर देगा। और सहसंयोजक बंध के दौरान एक दूसरे का कक्षक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के कक्षक के इलेक्ट्रॉन से जो स्थान घेरता है उसे क्या कहा जाता है, अतिव्यापन। तो हम आते हैं अब अपने मेन पॉइंट अतिव्यापन पर। अतिव्यापन जानने के लिए इतना जानना जरूरी था। अब अतिव्यापन हमने कहा कि दो विभिन्न कक्षक या दो विभिन्न उपकोष के इलेक्ट्रॉन साझा के दौरान, साझे के दौरान एक दूसरे कक्षक को घेरते हैं, घेरा गया स्थान क्या कहलाएगा, अतिव्यापन। उपकोष के इलेक्ट्रॉन है, उपकोष कितने होते हैं, एस पी डी एफ, चार उपकोष हैं, तो या तो यस एस अतिव्यापन होगा या यस पी अतिव्यापन होगा या अतिव्यापन होगा। और अदर अतिव्यापन आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे, यहां पर अतिव्यापन केवल
इन्हीं में देख लिया मैच कि पहला क्या है यश सत्यापन, दूसरा क्या है एस पी अत्यापन और तीसरा क्या है पी दस। तो यस यस अतिव्यापन क्या है, हमने कहा कि कोष के इलेक्ट्रॉन साझे के दौरान एक दूसरे कक्षक का अतिव्यापन करते हैं अर्थात यस यस ओवरलैपिंग में, यस यस ओवरलैपिंग में क्या होगा यस और यस कोष के इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। यस में हम जानते हैं केवल क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अपना अक्रिय या अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात हीलियम के सदृश बनाना चाहता है। तो हाइड्रोजन यस का आकार कैसा होता है मालूम है गोलाकार, कहां पाया गया था परमाणु संरचना, यस का आकार क्या है गोलाकार है, ये उस ये हाइड्रोजन परमाणु का क्या है नाभिक, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन भी होगा उसका भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका भी नाभिक होगा, ये दोनों जब मिलेंगे तो एक दूसरे के कुछ भागों का अतिव्यापन कर लेंगे और यही क्षेत्र क्या कहलाएगा अतिव्यापित भाग। इनमें जितना इस हाइड्रोजन के गोले का है कक्षक का है उतना ही भाग इस हाइड्रोजन के गोले के कक्षक का भी होगा और इलेक्ट्रॉन और इस गोले में भी कई इलेक्ट्रॉन हो गए दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इस गोले में कई इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है, दो स्ट्रक्चर जो है हीलियम परमाणु का होता है दोनों हीलियम के समान अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ है एस कक्षक में है, यस उपकोष के कक्षक में है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दे वन एच वन हो जाएगा वन एस वन और यस का केवल कितना है एक। सारी शर्तें पूरी हो गई, कक्षक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दो दो जिन जिन कक्षकों के बीच ओवरलैपिंग होता है उनको वही नाम दे दिया गया, यस यस ओवरलैपिंग के दौरान केवल हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोजन अणु बना लिए और हाइड्रोजन अणु बना करके हीलियम के समान अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लिए। गोले में जो छायांकित भाग है उसे अतिव्यापित क्षेत्र कहते हैं ओवरलैपिंग एरिया कहते हैं, ओवरलैपिंग एरिया जितना इस हाइड्रोजन के कक्षक का है उतना ही अगर वाले हाइड्रोजन कक्षक का। तो अब इनके बीच बंध कैसा बना है सिंगल बंध बना है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है और बन क्या गया एक एक इलेक्ट्रॉन का, ये था हमारा यस यस ओवरलैपिंग। अब एस पी ओवरलैपिंग देखो यस पी ओवरलैपिंग इसमें एक यस कक्षक होगा और दूसरा पी कक्षक होगा, एस पी ओवरलैपिंग में हम देखते हैं एच सी एल को सी एल का यस का कितना है एक और वन यस वन, सीएल का कितना है सीएल का भी ऊपर देखा गया फिर से एक बार वन यस टू टू यस टू टू पी सिक्स थ्री यस टू थ्री पी फाइव, पी फाइव के क्या है तीन इलेक्ट्रॉन हरा कैसे जाएगा हमने के नियमानुसार नाम क्या आएगा पी एक्स पी वाई वी एन
यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस कक्षक में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनके भी जो ओवरलैपिंग हो रही है उसे क्या कहेंगे, एसपी ओवरलैपिंग कहेंगे। कैसे, आइए यहां देखते हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और यह क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, एच प्लस सीएल और एरो मार्क क्या बनाएगा, HCl। कैसे कि ये हाइड्रोजन का है और ये क्लोरीन का, ये छायांकित भाग है, यहां एच यहां सी, एक दो तीन चार पांच तीन चार ये इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन बना है। याद रहे कि केवल वाहक कोष के इलेक्ट्रॉन ही दिखाई देते हैं, इसके वाहक कोष में कई इलेक्ट्रॉन है, या पांच एलिमेंट साझा कौन करेंगे, यह सब पूरा भरा हुआ है, हमें लेना किससे है, पी से लेना है, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम दो आठ और सात से समझ, साथ में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दोनों ने आपस में साझा कर लिया और HCl अणु बना लिया। बंध कैसा बनेगा, एक एक कितने का साझा हो रहा है, एक एक। तो हम लोगों ने देखा SS ओवरलैपिंग और SP ओवरलैपिंग, जिन कक्षकों के बीच, जिन कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच साझे के दौरान एक दूसरे के कक्षक, एक दूसरे के कक्षक को आपस में घेरते हैं तो घिरा हुआ स्थान क्या कहलाएगा, ओवरलैपिंग कहलाता है। तो अगला PP ओवरलैपिंग क्या है, इसे हम लोग कल क्लियर कर लेंगे, अगले वाली वीडियो में क्लियर कर लेंगे।